भू बैकुंठ धाम बद्रीनाथ में भगवान श्री बद्री विशाल जी के भव्य मंदिर का पुष्प श्रृंगार हो चुका है। पूरे मंदिर परिसर को करीब 20 क्विंटल गेंदे के सुगंधित पुष्पों से सुसज्जित किया गया है। अभी बद्रीनाथ मंदिर की छटा अद्भुत, अद्वितीय और अकल्पनीय दिख रही है। पीले पुष्पों से मंदिर का सिंह द्वार स्वर्ण आभा की चमक बिखेर रहा है। नारायण भक्त अभी भी कड़ाके की ठंड में अपने आराध्य श्री हरि भगवान के एक झलक पाने के लिए सिंह द्वार के सामने खड़े हुए हैं। वहीं पंच पूजा के तहत मध्यान्ह में मां लक्ष्मी जी को भगवान श्री बद्रीनाथ जी के साथ गर्भगृह में विराजमान होने के लिए निमंत्रण दिया गया है। पूरे दिन भर करीब शाम 5 बजे तक तीर्थयात्री भगवान बद्रीनाथ जी के पुष्प श्रृंगार के दिव्य दर्शन कर सकेंगे। उसके बाद 6:45 पर धाम के कपाट शीतकाल हेतु बंद कर दिए जाएंगे। तो देखिए, मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है, तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन देखिए, बड़ी संख्या में भक्त, क्योंकि आज पुष्कर नेगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्कर, जानकारी चाहेंगे, आज बद्रीनाथ कपाट, मंदिर के कपाट आज बंद होने वाले हैं शीतकाल के लिए, लेकिन देखिए लोग, क्योंकि आखिरी दिन है, भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, नज़ारा वहां पर किस तरह का है, कितने भव्य तरीके से मंदिर को सजाया गया है और लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए स्वाति, चारधाम यात्रा जो है अपनी समाप्ति की ओर है और पूजा अर्चना की अगर मैं स्वाति में बात करूं तो भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होते हैं तो 16 तारीख यानी 5 दिन पहले यहां पे पूजा अर्चनाएं शुरू हो जाती हैं, क्योंकि भगवान नारायण जो यहां पे बसते हैं, भगवान नारायण की यहां पे पूजा होती है। बद्री विशाल जो भू बैकुंठ बद्रीनाथ के धाम से इसको जाना जाता है, तो यहाँ पे चाहे आपका गणेश मंदिर हो, चाहे आपका यहाँ पे तमाम सारे लक्ष्मी मंदिर हो, या आपके जो है शंकर जी हो या पार्वती हो, तो तमाम सारे देवी देवताओं की पूजा अर्चना यहाँ पे शुरू हो चुकी है और 16 तारीख से पूजा अर्चना यहाँ पे शुरू हो चुकी है और आज 20 तारीख यानी 20 नवम्बर को भगवान बद्री विशाल के कपाट जो है शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। क्योंकि अब इस समय एक छोटा सा अपडेट साथी मैं आपको दे दूं कि मौसम भी इस समय जो है सुहावना जो है जनपद चमोली का देखने को मिल रहा है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की जो है बूंदाबांदी हो रही है, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे आपका हेमकुंड साहिब हो, चाहे ओली वाला एरिया हो, आकाश में बादल छाए हुए हैं और इसी बीच भक्तों का यहाँ पे आना, भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने या नारायण के दर्शन करने भगवान यात्रियों का यहाँ आना एक बहुत बड़ा हुजूम, यानी कि 10,000 से ऊपर यात्री अभी भी जो है बद्रीनाथ धाम में यहाँ पे जो है भगवान नारायण के दर्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आस्था को लेकर और जिस तरह से जो भगवान बद्री विशाल के कपाट आज बंद होंगे 12 बजे के बाद, यहाँ पे लक्ष्मी माता जी को जो निमंत्रण कल यहाँ पे दिया गया था कि आपको जो है गर्भगृह में आना है नारायण जी के, तो उसके बाद यहाँ पे पूजा अर्चना होगी। पूजा अर्चना शाम 5 बजे तक चलेगी, उसके बाद 6:45 में जो शीतकाल के लिए यहाँ पे बंद कर दिए जाएंगे भगवान बद्री विशाल के जो कपाट। तो 2021 की जो यात्रा है, जो चारधाम यात्रा है, ये समाप्त की ओर है। हालांकि यात्री यहाँ पे बहुत अधिक संख्या में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अगर पिछले दिनों की अगर बात करी जाए, एक हफ्ते की अगर मैं बात करूं स्वाति, तो 1,97,000 से ऊपर लोगों ने यहाँ पे दर्शन करके जो चले गए हैं और चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, चाहे आपके कांग्रेस के नेता हों, तमाम सारे नेता अभी भी जो है भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि आज का दिन है। इसके बाद जो है अगले साल जो 2022 की जो यात्रा होगी वो तो आने वाले समय में पता चल पाएगी कैसी होगी, लेकिन जो सीमित संख्या में जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने जब यात्रा खोलने का जो एक निर्देश दिया शासन को या उत्तराखंड शासन को, तो उसके बाद जो जिस तरह से पिछले साल का जो रिकॉर्ड भी इस साल टूटा है, तो कहीं ना कहीं आस्था जो है कोरोना पर भी भारी पड़ी है। और अभी का मैं आपको अपडेट दे दूं कि इस समय जो 10,000 से ऊपर लोग जो है भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं और भगवान बद्री विशाल को 20 क्विंटल फूलों से यहाँ पे सजाया गया, चाहे वो गर्भगृह से लेकर हो, चाहे आपका हनुमान मंदिर हो या लक्ष्मी मंदिर हो या आपका जो है तप्त कुंड यहाँ पे जो है इसको भी सजाया गया है। हालांकि आने वाले समय में जिस तरह से जो 2022 की जो यात्रा होगी उसको अलग ही रूप दिया जाएगा, क्योंकि चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्कर इन तमाम जानकारी के लिए। आप नज़र बनाए रखें, आगे भी आपसे जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे। इससे पहले तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे कि कितने किस तरीके से देखिए बद्रीनाथ मंदिर को सजाया गया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।